अरुण ऋषि स्वर्गीय एमनु नाम छे जेओ उज्जैन थी छे जेमनो परिचय छे एमना वक्तव्यमां मळी जवानो छे। खूब ज व्यस्त समयमांथी अहींया उपस्थित रह्या छे अरुण ऋषि स्वर्गीय। वो हस्ती है जिसके बाग बाग में मस्ती है और यही वो हस्ती है जो सर जमीने हिंद की तस्वीर बदलती है। मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। आओ एमनो परिचय छे तो एवुज तमने आनंद करावशे अने एमनु सेशन लेवा माटे हूँ अरुण ऋषि जी ने विनंती करू छु। मूळ उज्जैन थी छे एमपी थी। थोड़ू म्यूजिक पण हशे अने बधु अलग अलग प्रकारनी प्रेजेंटेशन करे छे श्री अरुण जी। प्रणाम। अरे आवाज योग वालों की इतनी कमजोर है। प्रणाम। प्रणाम। चलिए कुछ लाइनों के साथ हम लोग इस प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे कि फूलों की हर कली खुशबू दे आपको, सूरज की हर किरण रोशनी दे आपको, हम तो देने के कुछ काबिल नहीं, देने वाला हर खुशी दे आपको। आपको शिव के शक्ति की, मीरा के भक्ति की, गणेश के सिद्धि की, चाणक्य के बुद्धि की, सरस्वती के ज्ञान की, कर्ण के दान की, राम के मर्यादा की और कुबेर के संपदा की प्राप्ति हो, यही हमारी शुभकामना। भावना यह दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो और शांति सुख आनंद का घर घर में वास हो। कैसे हो उसके लिए मैं आज आप लोगों के बीच में हूं। तो मेरा नाम अरुण ऋषि है और मैं अपने नाम के आगे स्वर्गीय लगाता हूं। अब स्वर्गीय का जो हमारा कंसेप्ट है कि जो भारत में रहता है वो भारतीय होता है और जो स्वर्ग में रहता है वो स्वर्ग कहां है? स्वर्ग भी यही है और नर्क भी यही है। एक दोहा है इस पे कि जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, और स्वर्ग भी यही है और नर्क भी यही है, ना माने तो मर के देख। तो बेसिकली मैं एक उद्योगपति हूं। 25 वर्षों पूर्व मैंने व्यवसाय से निवृत्ति ले ली। एक लाइफ का टारगेट था कि 15-20-25 लाख रुपया हो, बंगला हो और गाड़ी हो। एक पुराने जमाने का गाना सुने होंगे आप लोग की प्यारा सा, एक बंगला हो, बंगले में गाड़ी हो और गाड़ी में बलवा अनाड़ी हो। तो वो अनाड़ी बलवा मेरी बीवी को मिल गया। वो पैसा बीवी को पकड़ा दिया, फिर एक ट्रस्ट बना दिया आयुष्मान भव। इस ट्रस्ट के माध्यम से मैं पिछले 25 वर्षों से प्रत्येक माह में 18 दिन वर्ल्ड वाइड ट्रेवल करता हूं और 12 दिन बीबी की सेवा में रहता हूं। तो हम लोगों का फंडा है 18 दिन रेल में और 12 दिन जेल में। तो 12 दिन बीबी की सेवा में, 18 दिन लोगों की सेवा में। बीबी ने भी कार और आवास के साथ कारावास दे रखा है तो जिंदगी बढ़िया चल रही है। इंडिया की जितनी प्रीमियम इंस्टीट्यूशन हैं, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी मसूरी, मोस्ट ऑफ द आईएम्स आईटीज, वहां पे मैं विजिटिंग फैकल्टी हूं। आप जानते हैं फैकल्टी कौन होता है? फैकल्टी वो होता है जो आदमी फेंक के कल्टी हो जाता है। वो रियल फैकल्टी होता है, जो एक जगह होते हैं वो डिफिकल्टी होते हैं। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे वो फैकल्टी थे, अच्छी अच्छी चीजें फेंकते थे और वहां से कल्टी हो जाते थे। भारत की 27 बड़ी बड़ी कंपनियां
जिसमें एनटीपीसी, ओएनजीसी, आईओसी, बीपीसीएल, टाटा मोटर्स, मारुति, होंडा, आप किसी भी बड़ी कंपनी का नाम लीजिए, हम लोग वहां पे हैं। यहां जो हम लोग हमारी सेवाएं दे रहे हैं, एक यूनिक कंसेप्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन वर्ल्ड हम लोगों ने दिया टीक्यूपी का। जैपनीज लोगों का कंसेप्ट है टीक्यूएम का। वो कहते हैं कि यदि हमें लोगों से काम लेना है तो हमारा व्यवस्थापन मैनेजमेंट क्वालिटी का होना चाहिए। लेकिन मेरा यह मानना है कि जो व्यक्ति समाज की इकाई है, पर्सन, वो ही यदि क्वालिटी की नहीं है तो कैसे हम लोगों से काम ले पाएंगे। आर्किटेक्ट कितना ही बढ़िया हो, ईंटें खराब दे दो, मकान अच्छा बना पाएगा। तो जैपनीज लोग बात कर रहे हैं मैनेजमेंट की और मैं बात कर रहा हूं व्यक्ति की। अब व्हाट इज टोटल क्वालिटी पर्सन। हम लोग बहुत क्वालिटी कॉन्शियस लोग हैं। आज हम गाड़ी खरीदने जाते हैं, स्कूटर लेने जाते हैं, मोटर बाइक लेते हैं, एसयूवी लेते हैं, एवरीबडी वॉन्ट्स ए क्वालिटी प्रोडक्ट। और क्वालिटी प्रोडक्ट की फ्रेम है, गाड़ी खरीदेंगे सबसे पहले क्या पूछते हैं, एवरेज कितना है, इट मस्ट बी एनर्जी इफिशियंट, कम पेट्रोल में ज्यादा चलने वाली गाड़ी आपको चाहिए, देन इट शुड बी मेंटेनेंस फ्री, ज्यादा काम तो नहीं मांगती, सब ज्यादा काम नहीं मांगती, देन इट शुड बी इकोनॉमिकल, सस्ती होना चाहिए। तीनों के जवाब यदि हमको हां में मिल जाते हैं तो हम लोग कंक्लूड कर लेते हैं कि इट मे बी ए क्वालिटी प्रोडक्ट। यदि हम एक व्यक्ति को इस फ्रेम में रखें, क्या वो मेंटेनेंस फ्री है, आज सर्दी हो गई, जुखाम हो गया, पेट दुख रहा है, सिर दुख रहा है, कोरोना हो रहा है, टाइफाइड हो रहा है, टीबी हो रहा है, कैंसर हो रहा है, डायबिटीज हो रहा है, हार्ट प्रॉब्लम हो रही है, फ्रीक्वेंटली वी नीड मेंटेनेंस, इट मींस वी आर नॉट मेंटेनेंस फ्री। वेदर वी आर इकोनॉमिकल, नो सर, वी वॉन्ट मोर मनी बट वी वॉन्ट टू वर्क लेस। पैसा बहुत चाहिए, काम करने की कोई बात मत करो। पहले हमारी कंपनियां बड़ी प्राउडली कहा करती थी कि मेरे कंपनी में 70,000 एम्प्लॉई काम करते हैं। अब बड़ी प्राउडली कहती है कि 25,000 को मैंने वीआरएस दे दिया, आदमी बहुत महंगा हो गया, तो वी आर नॉट इकोनॉमिकल टू। वेदर वी आर एनर्जी इफिशियंट, खाते बहुत हैं, काम बहुत कम करते हैं, फिजिकल लेबर खत्म हो गई, खाना चार बार चाहिए। तो इस टोटल क्वालिटी पर्सन की फ्रेम में हम लोग आउट ऑफ पिक्चर हैं। 45 साल पहले, 44 साल पहले एक मिशन हम लोगों ने अपने हाथ में लिया, क्या हम एक व्यक्ति को क्वालिटी पर्सन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो मेंटेनेंस फ्री हो, कभी बीमार ना पड़े, जो इकोनॉमिकल हो, कम पैसा ले ज्यादा काम करे, और जो एनर्जी इफिशियंट हो, कम खाए और ज्यादा काम करे। रिसर्च करना चालू किया कि हम लोग क्वालिटी के क्यों नहीं है। पता चला कि दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उन्होंने आपकी दिनचर्या उनका माल बेचने के हिसाब से प्लान कर दी। सुबह उठे तो मुंह में टूथब्रश, टूथपेस्ट रख दिया, फिर चाय, फिर कॉफी, फिर शेविंग क्रीम, फिर साबुन, फिर शैम्पू, फिर कॉस्मेटिक्स, फिर चॉकलेट, फिर थम्सअप, लिमका, कोका कोला, पान, गुटखा, सिगरेट, दारू, और उसके बाद दवाएं। उन्होंने आपकी दिनचर्या इस तरह से प्लान कर दी कि हर थोड़े थोड़े समय के बाद हमें उनके अप्राकृतिक चीजों की आवश्यकता होती है। तो मेरा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए प्रस्तावित है कि मैं दुनिया का पहला उद्योगपति हूं जिसने पिछले 44 सालों में यह किसी भी चीज का उपभोग नहीं किया। टूथब्रश नहीं, टूथपेस्ट नहीं, चाय नहीं, कॉफी नहीं, शेविंग क्रीम नहीं, साबुन नहीं, शैम्पू नहीं, कॉस्मेटिक्स नहीं, थम्सअप नहीं, लिमका नहीं, कोका कोला नहीं, पान, गुटखा, दारू, सिगरेट, कुछ नहीं। और जब कुछ नहीं लिया तो 44 सालों में मैं एक दिन भी बीमार नहीं पड़ा। मेरी उम्र अभी 72 साल की है, I am 72, और 100 साल तक बीमार नहीं पड़ूंगा। कारण ये जितने साधन हैं सारे अप्राकृतिक साधन हैं, इसके द्वारा आप ईश्वर की प्रकृति का नाश करते हो
और जब आप ईश्वर की प्रकृति का नाश करते हो, ईश्वर आपकी प्रकृति का सत्यानाश कर देता है। आज सुनामी आ रही है, आज ग्लोबल वार्मिंग है, आज पर्यावरण को खतरा है, ये 10 ही चीजों से है। तो मेंटेनेंस फ्री हो गया, फिर हम लोग बहुत इकोनॉमिकल हैं। ये सारी सेवाएं हम पिछले 25 वर्षों से आप लोगों को एक ही कीमत पे देते हैं। हमारा ट्रस्ट एक क्लास की फीस लेता है 11,151 रुपए प्लस आने जाने का, उज्जैन से आने जाने का खर्चा। मान लीजिए 30,000 रुपया खर्च हो गए और आज हम 500 लोग हैं तो 60 रुपया पर हेड, जो सीखेगा वो पेमेंट करेगा। खैर आज आपको पेमेंट नहीं करना है, आज तो शिषपाल जी ने करवा दिया है, चिंता ना करें। 1,000 लोग होंगे तो 30 रुपया पर हेड, 2,000 होंगे तो जो सीखेगा वो पेमेंट करेगा। तो कम पैसे, 25 साल पहले भी फीस 11,151 थी और आज भी फीस 11,151 है। तो इकोनॉमिकल भी हूं, फिर खाता बहुत कम हूं और काम बहुत ज्यादा करता हूं। मेरा 44 सालों का एक सिस्टम रहा है कि जब भी मैं ट्रैवल करता हूं, 18 दिन ट्रैवल करता हूं, तो 24 घंटे में एक बार खाना खाता हूं। तो हमारे यहां कहा गया है कि जो एक बार खाता है वो योगी है, दो बार खाता है वो भोगी है, तीन बार खाता है वो रोगी है और चार बार खाता है वो महारोगी है। अस्पतालों में लाइन लगी हुई है। खाता इसलिए भी कम हूं कि मेरे को मालूम है कि ईश्वर ने अन्न और जल का कोटा फिक्स कर रखा है। आप जितना ज्यादा खाओगे उतने जल्दी निपट जाओगे और जितना कम खाओगे उतने ज्यादा जी लोगे। इंग्लिश में कहावत है कि 1/3 यू आर ईटिंग फॉर योर सेल्फ एंड 2/3 यू आर ईटिंग फॉर द डॉक्टर्स। तो आई ईट ओनली फॉर माई सेल्फ, आई नेवर ईट फॉर द डॉक्टर्स। लोग खाने के लिए जीते हैं, मैं जीने के लिए खाता हूं। तो मेंटेनेंस फ्री भी हूं, इकोनॉमिकल भी हूं और एनर्जी इफिशियंट भी हूं। तो इस टोटल क्वालिटी पर्सन की फ्रेम में मैं बिल्कुल फिट हूं। फिर मेंटेनेंस फ्री होने के लिए कि आप कभी बीमार ना पड़े, डॉक्टर अवे, एक दवा निराली 15 सेकेंड की ताली, ना साला ना साली जीवन भर की खुशहाली 15 सेकेंड की ताली। इसका सबसे पहला प्रेजेंटेशन हम लोगों ने दिया था दिल्ली में एम्स के अंदर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। तो डॉक्टर लोग मजाक उड़ाने लगे, बोले क्या ऋषि जी बेवकूफ बना रहे हो, ताली बजा के कोई इलाज होता है? 200-250 डॉक्टर थे, मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा कि आपने किसी किन्नर का इलाज किया? किसी किन्नर को कोरोना नहीं हुआ, ये राज उसकी ताली में था। इसका मतलब ये नहीं कि आप दिन भर तालियां ठोकते रहे, कारण अति सर्वत्र वर्जते। इसका मतलब यह है जो सुबह शाम हमारे यहां भजन कीर्तन में तालियां बजती थी उसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान था। तो इसमें आपको दो काम करने हैं, एक 15 सेकेंड रोज ताली बजानी है। बताऊंगा, अरे प्लीज अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अरे अभी प्लीज प्लीज प्लीज, मैं सिखाऊंगा कैसे बजाना। 15 सेकेंड ताली बजानी है और ये समझते हैं आप लोग क्या है, कितने लोग जानते हैं इसको? अरे हार्ट का तो शेप है लेकिन चीज क्या आई है? ये है ठीकरी, ठीकरी, ठीकरू। प्लीज 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 प्लीज, अरे शांत रहें। ये पुराने, इसको गुजराती में ठीकरी बोलते हैं, इंग्लिश में स्क्रबर बोलते हैं, मेलखोरा बोलते हैं यूपी में। ये पुराने जमाने में भारत के घर घर में होता था, बाथरूम में। इसको अपने बाथरूम में रखें और नहाते समय पैर के तलवे को रगड़ रगड़ के साफ करें। जितना पैर का तलवा चमकेगा उससे ज्यादा चेहरा दमकेगा। किसी सौंदर्य प्रसाधन लगाने की जरूरत नहीं है। अब ये आइडिया आया कैसे कि सिर्फ ताली बजा के या पैर के तलवे रगड़ के आदमी बीमार नहीं पड़ेगा। हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग आरओ का साफ पानी पीते हैं, कई तरह की हाइजीन मेंटेन करते हैं, कई तरह की प्रिकॉशंस लेते हैं,
कई तरह की सावधानियां बरतते हैं, उसके बाद भी रोगग्रस्त हो जाते हैं। जानवर नाली का पानी पी लेता है, कचरा उचरा कुछ भी खा लेता है, कोई हाइजीन मेंटेन नहीं करता, कोई प्रिकॉशंस नहीं, फिर भी बहुत कम बीमार पड़ता है। कारण जानवरों का जो इम्यून सिस्टम है, रोगों से लड़ने की क्षमता जानवरों की आपसे हमसे कई गुना ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्यों? नंगे पैर चलता है, और जब नंगे पैर चलता है तो उसके हाथ के पॉइंट और पैर के पॉइंट, उसका नेचुरल एक्यूप्रेशर हो जाता है। एक्यूप्रेशर के लॉ के हिसाब से पूरी बॉडी को चलाने के पॉइंट या तो हाथ में है या पैर के तलवे में है, वो जानवरों के नेचुरल वे में दब जाते हैं। हमारे यहां था पुराने जमाने में कि सुबह मंदिर जाओ तो नंगे पैर जाओ और मंदिर में जाके ताली बजाओ। जो काम जानवरों का नेचुरल वे में होता था वो हमारा उस संस्कार के कारण हो जाता था। अब हम दोनों नहीं कर रहे तो हमारी इम्यूनिटी वीक हो गई और अस्पतालों की भीड़ बढ़ गई। अच्छा, नंगे पैर जाना हम भी आपको रिकमेंड नहीं करेंगे। कारण जो लोग ज्यादा बेयर फुटेड चलते हैं उनकी मेंटल पावर वीक हो जाती है। तो हमारे ऋषि मुनि क्या पहनते थे? खड़ाऊ पहनते थे। हम लोग जूता पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं, स्लीपर पहनते हैं। तो नहाते समय पैर के तलवे रगड़ लें। आज से 20-22 साल पहले मेरी धीरू भाई अंबानी जी के साथ मीटिंग हुई थी, तो धीरू भाई ने कहा, ऋषि जी ठीकरी तो बहुत अच्छी है लेकिन रगड़ेगा कौन? अब ओवरवेट हो गए, शावर बात लेने की आदत हो गई, नीचे झुकने की बनती नहीं है, कोई अच्छी चीज हो तो बताओ। तो सेकंड ऑप्शन है एक ये एक्यूप्रेशर की प्लेट। ये चार प्लेटें हम लोग एक फैमिली के लिए रिकमेंड करते हैं। दो प्लेटें होनी चाहिए आपकी बेडरूम में, एक पत्नी की तरफ एक पति की तरफ। मॉर्निंग में आप जैसे ही उतरे इस प्लेट के ऊपर उतरे। एक प्लेट होनी चाहिए ड्रेसिंग रूम में। इस प्लेट पर खड़े रह के आप दाढ़ी बनाइएगा पुरुष वर्ग, तो उससे बढ़िया शेव आपने कभी जिंदगी में नहीं बनाई होगी। और एक प्लेट आपके वर्किंग टेबल के नीचे। पर्पस है दिन में 700-800 बार उस प्लेट पर चलना हो जाए। तो उस समय तो ये प्लेट मेरे पास अवेलेबल थी। अभी मेरी 1.5 साल पहले ये हमारे परसाना जी के साथ, विजय भाई के साथ मीटिंग हुई, तो मैंने ये प्लेट भी आजमाई और मैं 4-5 महीने से इस प्लेट को भी यूज कर रहा हूं और इसके रिजल्ट ट्रेमेंडस है। तो इस प्लेट पर तो पैर के पॉइंट यहां एक्टिवेट हो गए और कर्म ही पूजा है। हमारा जो कर्म स्थल है ये हमारा मंदिर है। तो हम लोगों ने कई फैक्ट्रियों में, कई कंपनियों में, कई ऑफिस में चालू करा दिया कि सुबह जैसे 8 बजे फैक्ट्री चालू होती है, 8:05 पे एक सायरन बजता है और उनके प्रेसिडेंट से लेके नीचे तक के सब ताली बजाना चालू कर देते हैं। 15 सेकंड बजानी है, देन वॉच योर मेडिकल बिल। ये जो फोटोग्राफ्स हैं ये होंडा जापान के हैं। जैपनीज लोगों में और भारतीय लोगों में एक बेसिक डिफरेंस है। इंडियन लोग एग्रीकल्चर वाले हैं, एग्री सबसे हो जाते हैं, कल्चर में कुछ नहीं लाते। ये भारतीयों की विशेषता है। मुंडी सबकी हिला देंगे, करेंगे धरेंगे कुछ नहीं। हम लोग जैपनीज लोगों से बात कर रहे थे, उनका, ऋषि जी आप जानते हैं भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? बोले नहीं मालूम। भारत की सबसे बड़ी समस्या यह है कि राम को सब मान रहे हैं और राम की कोई नहीं मान रहा। हम अरुण ऋषि को बिल्कुल नहीं मानते हैं, अरुण ऋषि की मानते हैं, इसीलिए हम लोगों ने आपको रिलीजियसली सारे लोग ताली बजा रहे हैं। मनोहर पारिकर साहब के साथ गोवा में हम लोगों ने काफी काम किया। यही प्रेजेंटेशन आज से 18-20 साल पहले हम लोगों ने संसद में दिया था। भैरव सिंह शेखावत उस समय उपराष्ट्रपति थे, गुजराल जी प्राइम मिनिस्टर थे। तो उन्होंने मेरे को भारत की सारी विधानसभाओं का ठेका दे दिया। बोले नेताओं की ताली बजवाओ, ये सबकी बजवाते हैं, आप इनकी बजवाओ। मैं इंडिया का पहला आदमी हूं जिसने 18 विधानसभाओं को 2-2 घंटे के लिए एड्रेस किया। तो ये छत्तीसगढ़ विधानसभा है,
ये मध्य प्रदेश विधानसभा, ये गुजरात विधानसभा, ये सारी विधानसभाएं, राजस्थान, उत्तराखंड, ये अभी गुजरात का फिर हुआ था। हम लोगों की पॉलिसी होती है, मोदी जी एक दिन बीच में ताली बजवाए थे कोरोना काल पे, याद है आप लोगों को? क्या हुआ था कि हमने कई हॉस्पिटल्स लिए थे जिनमें डॉक्टर्स की रोज ताली बजवाते थे, और जितने लोग डॉक्टर ताली बजा के अंदर गए किसी को कोरोना का इफेक्ट नहीं आया। तो ये बात हमने उस समय आयुष मिनिस्टर थे श्रीपाद नायक, उनको बताई कि आप हमारी मोदी जी से मीटिंग करा दो। अरे बोले हम ही बता देंगे। अब मैंने उनको बताया, उनने उनको बताया, और एक दिन ताली बज गई, एक दिन थाली बज गई, चीजें हल्की हो गई। तो हम लोगों की पॉलिसी होती है कि जिस संस्था के लिए हम लोग काम करते हैं उनके चेयरमैन डायरेक्टर्स की पहले क्लास लेते हैं। तो ये SBI के चेयरमैन है अरुंधति भट्टाचार्य, ये NBCC बोर्ड, BHEL, NBCC, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियों के चेयरमैन और डायरेक्टर्स हैं। मोहपात्रा साहब, AIC, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के। ये आपने घनश्याम भाई ढोलकिया, सावजी भाई ढोलकिया का नाम सुना होगा, सूरत वाले। इन्होंने अभी मेरे को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में बुलाया था। और ये जो फैक्ट्री है और ये जो गोल सर्कल आप देख रहे हैं, ये 8,000 वर्कर्स हैं। इनकी यहाँ ट्रेनिंग हम लोग करके अभी और कर रहे हैं, और इसके बाद ताली उन लोगों ने चालू कर दी। CSOI करके एक संस्था है जिसमें IAS ऑफिसर, IPS, IRS अफसर सब उसके मेंबर होते हैं। तो ये दिल्ली में मेरा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, उसके बाद इंडिया के जितने चीफ सेक्रेटरीज हैं उनको कहा गया कि ऋषि जी की सेवाएं लो और प्रदेश के मेडिकल बिल कम करो। तो ये हमारे मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी हैं, ये हेल्थ सेक्रेटरी, ये कलेक्टर्स को इंस्ट्रक्शंस हो गए कि सारे कलेक्टर्स अपने यहाँ पे क्लासेस कराएंगे, कमिश्नर्स, कलेक्टर्स, ये सारी क्लासेस चल रही है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने पहली बार एक लेटर इशू किया गवर्नमेंट की, छत्तीसगढ़ के सारे ऑफिस में ताली चालू करवाई जाए। लेकिन जब लेटर इशू हुआ उसके बाद सरकार गिर गई, और सरकार गिर गई तो सरकार बदल गई। उन्होंने बोले RSS का एजेंडा है, ताली वाली बंद करो, ताली नहीं बजाना। ये राजीव कुमार साहब हैं चीफ सेक्रेटरी UP, पंकज कुमार साहब हैं चीफ सेक्रेटरी गुजरात। इन्होंने मेरे को अभी फ्री हैंड दे दिया कि आप सारे कलेक्टर से मिलिए और उनको बताइए और उनके जिले में प्रोग्राम करिए। तो ये गांधीनगर के कलेक्टर साहब हैं, ये सारे कलेक्ट्रेट पे प्रोग्राम चालू हो गए, ये दाहोद, गुजरात, ये सारे प्रोग्राम। ये अभी पांडुचेरी चीफ सेक्रेटरी के साथ हमारी मीटिंग हुई थी। अब ये तो हो गई एक बात कि आपने ताली भी बजा ली और पैर के तलवे भी कर लिए। जो काम जानवरों ने नेचुरल वे में किया वो आपने संस्कार के कारण कर लिया। उसके बाद फिर सवाल उठता है, क्या जानवर टूथब्रश टूथपेस्ट करता है? किसी जानवर को आपने किसी डेंटिस्ट के यहां देखा कि फलाना जानवर फलाने डेंटिस्ट के यहां दांत वात निकलवाने बैठा है? क्या जानवर चाय कॉफी पीता है कि इस घोड़े ने बहुत दौड़ लगा ली, इसको 2 कप चाय पिला दो, इस गधे ने बहुत काम कर दिया, इसको 4 कप चाय पिला दो, तो वाई वी नीड टी एंड कॉफी? क्या वो शेविंग क्रीम, साबुन, शैम्पू, कॉस्मेटिक्स, थम्सअप, लिमका, कोका कोला, पान, गुटखा, सिगरेट, दारू पीता है तो हमें क्यों आवश्यकता है? अब सवाल उठता है कि टूथब्रश टूथपेस्ट नहीं करें तो क्या करें? तो दांत साफ करना मैं आपको इतना बढ़िया सिखा दूंगा कि आप ऊपर चले जाओगे, 32 ही यहीं छोड़ जाओगे। और इतना सस्ता फार्मूला है कि गरीब से गरीब आदमी झोपड़ी में कर ले और बड़े से बड़ा आदमी महल में कर ले। बगैर चाय कॉफी के कैसे तरोताजा रहना, बगैर शेविंग क्रीम के दाढ़ी कैसे बनाना? तो दाढ़ी बनाना मैं आपको इतनी बढ़िया बता दूंगा कि आपका ब्लेड 3 दिन चलता होगा तो 30 दिन चलेगा। मेरा एक ब्लेड 3 महीने चलता है और चेहरे पे झुर्रियां नहीं आएंगी। बगैर साबुन के कैसे नहाना, बगैर शैम्पू के कैसे बाल साफ करना, बगैर सौंदर्य प्रसाधन के कैसे सुंदर रहना, बगैर दवाओं के कैसे स्वस्थ रहना?
उसकी जो पूरी क्लास होती है 2 से 2.5 घंटे की होती है। मैंने शिषपाल जी को बहुत रिक्वेस्ट किया था कि पूरा सेशन हमारा 2-2.5 घंटे का दें, लेकिन आज हमें समय बहुत कम दिया गया है, 40 मिनट जितना हो गया, हम 2 सेशन में करेंगे, आज करेंगे और कल सुबह करेंगे। चलिए, ये जितनी चीजें मैंने आपको बताई, क्या आप जानते हैं कि सन 1947 के पूर्व हम लोग एक ही कंपनी के गुलाम थे। कौन सी कंपनी के? ईस्ट इंडिया कंपनी के। आज हम कई कंपनियों के बेदाम के गुलाम बन चुके हैं। सुबह उठते ही हमें आदेश मिलता है कि भारत के गुलमटो, टूथब्रश टूथपेस्ट करो और दांतों को सड़ा डालो, चाय कॉफी पियो अपने पाचन तंत्र का नाश कर डालो, फिर शेविंग क्रीम साबुन शैम्पू लगाओ अपनी दाढ़ी त्वचाएं बालों का सत्यानाश कर डालो, फिर आदेश आता है कि पान गुटखे खाओ, शराब पियो, धूम्रपान करो और ईश्वर की हवा को बिगाड़ो, और ईश्वर भी जब आपकी हवा बिगाड़ दे तो हमारी महंगी दवाएं खाओ और मर जाओ। इस प्रकार सुबह से शाम तक हमारे कोड़ियों के दाम का माल सोने के भाव खरीदो, अपने घर को, समाज को, देश को बर्बाद कर डालो, और एक अच्छे गुलाम की तरह हम करते चले जा रहे हैं। क्या आप इस गुलामी से मुक्त होना चाहते हैं? तो समय चाहिए कि नहीं चाहिए? चलिए, तो अब हम लोग आते हैं मुद्दे पे। ये जो 10 चीजें मैंने आपको बताई, इसको हम लोगों ने हमारे पौराणिक चीजों से जोड़ा। हमारे यहां बुराइयों का प्रतीक कौन था? रावण था। बहुत बलशाली था, सोने की लंका थी उसके पास, बहुत बुद्धिमान था। तो आज की जितनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनको हम एक रावण मान सकते हैं। करोड़ों अरबों रुपया उनके पास है, कई सोने की लंकाएं उनके पास है, कई थिंक टैंक उनके पास है। फिर रावण के कितने सिर थे? 10। तो इस पे हम लोग एक किताब लिखे, कैसे बने मेरा भारत महान, और इसके पीछे ये रावण के 10 सिर बनाए। पहला सिर टूथब्रश टूथपेस्ट चाय कॉफी शेविंग क्रीम साबुन शैम्पू, 10 प्रोडक्ट 10 बुराइयों के रूप में। तो रावण भी है, और रावण की बहन कौन थी? शूर्पणखा। तो टीवी के पर्दे पर ये आपको जितनी अंग प्रदर्शन करती लड़कियां दिख रही हैं, ये सारी शूर्पणखाएं। सबकी नाक कटी हुई, आप जाके पूछ लेना उनसे। तो रावण भी है, शूर्पणखा भी है, जो उनकी नाक काट देते हैं वो लक्ष्मण भी है। आवश्यकता अब हमको राम की है। तो इस कलयुग के राम वही होंगे जो 10 बुराइयों को अपने जीवन में से खत्म कर देंगे। तो एक राम से काम नहीं चलेगा, हमको घर घर में राम पैदा करना पड़ेंगे। इस कार्य के लिए हमें हमारी मातृशक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, उनसे हमारी रिक्वेस्ट होती है कि इस कार्यक्रम में महिलाओं का पार्टिसिपेशन अधिक से अधिक होना चाहिए। आज है वो, जहां टिकट लगा के प्रोग्राम होता है उसमें पत्नी फ्री होती है, पत्नी को साथ लेके आना जरूरी है। क्यों जरूरी है? कि इंग्लिश में कहावत है कि यदि आप एक स्त्री को सिखा देते हो तो पूरे परिवार को सिखा देते हो, और एक पुरुष को सिखाते हो तो किसी को भी नहीं सिखा पाते। कारण एक तो उस बंदे की घर में चलती नहीं, मेरी भी नहीं चलती। आप बड़े बड़े नेताओं को भाषण दो, बड़े बड़े आईएएस आईपीएस अफसर को भाषण दो, घर में बीवी का ही भाषण सुनना पड़ता है। पति कितना ही बड़ा विवेकानंद क्यों नहीं हो, कितना ही बड़ा बुद्धिमान क्यों नहीं हो, आपने जाके भाभी जी को सिखाने की कोशिश की कि देखो हमको एक ऋषि जी मिल गए थे, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे 15 सेकंड ताली पीटना, ऐसे ऐसे पैर के तलवे रगड़ के साफ करना, टूथब्रश टूथपेस्ट मत करना, चाय कॉफी मत पीना, साबुन शैम्पू सौंदर्य प्रसाधन कुछ मत लगाना, तू जिंदगी भर बीमार नहीं पड़ेगी।
उस आदमी की पत्नी उसकी एक मिनट में ही करनी कर देती कि तुम्हारे में तो अक्ल ही नहीं, तुम्हारे को कोई भी कुछ भी समझाता है और कुछ भी समझ के चले आते हो और घर में आके मेरा दिमाग अलग से खराब करते हो, और आदमी भी बैठे बैठे मुंडी हिलाता रहता है कि भाई बिल्कुल सही कह रही है, अगर मेरे में ही अक्ल होती तो कोई तेरे से शादी करता। बैलेंस करना जरूरी है। प्लीज चलिए चलिए चलिए। तो हमारे जीवन में स्त्री का बहुत बड़ा महत्व है। अंग्रेजों ने मैन तो बना लिया था, वीमन बनाने में पसीना आ गया, बहुत सोचा और मैन के पीछे डब्ल्यू लगा दिया। यू नो वाई डब्ल्यू, किसी को आइडिया है? वर्ल्ड की जितनी वंडरफुल चीजें हैं सबके पीछे डब्ल्यू लगा हुआ है। वर्ल्ड ले लीजिए, वर्शिप ले लीजिए, वंडर ले लीजिए। तो और कह दिया कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक किसी न किसी स्त्री का हाथ होता है। ये बातें हमारे यहां पुरातन काल में बहुत अच्छी तरह से जानी जाती थी। जब हम लोग सतयुग में थे क्या बोलते थे? लक्ष्मी नारायण, नारायण के पहले लक्ष्मी का नाम रखा। त्रेता में आए सीता राम हो गए, राम के पहले सीता का नाम रखा। द्वापर में आए राधे कृष्ण हो गए, और कलयुग में क्या हो गया? मिस्टर एंड मिसेज हो गए, श्रीमान और श्रीमान जी पहले आ गए, और यही कलयुग के पतन का कारण है। ऐसे ही हमारे जीवन में मां का बहुत बड़ा महत्व है। इंग्लिश में कहावत है कि ईश्वर सब जगह नहीं हो सकता, इसलिए उसने मां का निर्माण किया। तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में चार माएं होती हैं, शायद आप लोगों को ना मालूम हो। एक मां होती है जो हमको जन्म देती है, एक होती है धरती मां जिसपे हम लोग पैदा होते हैं, तीसरा होता है महात्मा जो आपको बुराई से अच्छाई की ओर प्रवृत्त करता है, और चौथा होता है परमात्मा। लेकिन इन चारों माओं को एक मां ने बर्बाद कर दिया, और वो मां है, इस सिनेमा ने चारों माओं की बाट लगा दी। इस कार्यक्रम की कीमत क्या हो सकती है? मुंबई में एक सज्जन ने बताई, 1,000 रुपए की टिकट कपल एंट्री, 17.5 लाख की बुकिंग, षणमुखानंद हॉल। इस प्रोग्राम में आपने नाम सुना होगा, यू नो हु इज दिस जेंटलमैन? सूरज बढ़िया प्यार, राजश्री प्रोडक्शन। इनके एक जीएम थे पीके गुप्ता करके, मेरी क्लास में प्रोग्राम के बाद मिलने आए, बोले ऋषि जी आप कितों की क्लासेस लोगे, कल आप मेरे स्टूडियो आ जाओ, मेरे यहाँ 450-450 लोग हैं, और बंबई में 20-21 हज़ार रुपए की कोई वैल्यू नहीं है, 50-40-50 रुपया पर हेड हो रहा है, मैं उनकी तनख्वाह से काट के आपको दे दूंगा। जब हम लोग प्रोग्राम करने गए, हमको मालूम नहीं था वहां एक वर्ल्ड क्लास रिकॉर्डिंग सिस्टम लगा था। उन्होंने 15,000 सीडी बना के मेरे को दे दी कि सीडी एक ऐसा टूल है जो घर घर में जा सकता है, और ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, जो चीज हमको अच्छी लगेगी हम 10 कोर्स सुना देंगे। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि सर आपने बहुत अच्छा काम किया है कि आपने मेरी ऑडियो सीडी बना दी, एक काम और कर दें। बोले बताएं, मेरे इस प्रोजेक्ट पे सिनेमा बना दें। कारण क्या हो रहा है? कोई भी टीवी चैनल वाला मेरा प्रोग्राम टेलीकास्ट नहीं करता, वो कहता है ऋषि जी आपके ताली के चक्कर में हमारे यहां ताले लग जाएंगे, तो ये 10 प्रोडक्ट भी तो चैनल चल रही है, तो मेरे को 18 दिन रेल में और 12 दिन जेल में रहना पड़ता है। तो कहा ऋषि जी यू राइट ए बुक, बने मेरा भारत महा, पिक्चर बन गई तो आप मेरे को पिक्चर हॉल में देखोगे, नहीं तो इसी हाल में देखोगे। जानबूझकर इस पुस्तक को हम लोगों ने हिंदी में रखा। मेरे विदेशों में कई जगह कार्यक्रम हुए, सबने रिक्वेस्ट की ऋषि जी इंग्लिश करा दो। मैंने कहा भाई साहब हमें अंग्रेजों की चीजें पसंद आती है, हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं, आपको ताली पसंद आई? बोले बहुत पसंद आई, तो हिंदी सीखो। इस किताब में वो ताकत है जो विश्व के प्रत्येक मानव को हिंदी सीखने के लिए मजबूर करेगी। मेरे कवि मित्र हैं प्रदीप चौबे जी,
इनका 2 साल पहले देहावसान हो गया। इन्होंने जब पुस्तक पढ़ी तो 4 लाइन में फीडबैक मेरे को SMS किया, किताब में छाप देना, कि राम के लिए जैसे सीता है, पुत्र के लिए जैसे पिता है, अरुण ऋषि जी की पुस्तक नहीं कलयुग की गीता है। यह पुस्तक और CD का सेट भारत के घर घर में होना चाहिए। अभी हम लोग US टूर पे थे तो कहा ऋषि जी कहां CD बेचते फिर रहे, उसको इंटरनेट पे अपलोड कर दो, जो लोग आपसे बुक्स लेंगे उनको लिंक दे देना, वो लोग देख लेंगे। हिंदी बोलने में शर्म नहीं गर्व होना चाहिए। मैं अभी चेन्नई गया हुआ था, मैं हिंदी में चालू हुआ, दे स्टार्टेड शाउटिंग स्पीक इंग्लिश स्पीक इन इंग्लिश स्पीक इन इंग्लिश, सब आई कैन स्पीक बेटर इंग्लिश देन यू, बट आई विल आस्क वन सिंपल क्वेश्चन टू यू, रिप्लाई प्रॉपरली, इफ यू रिप्लाई प्रॉपरली आई विल स्पीक इन इंग्लिश। ओके, इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं जिनको हिंदी बिल्कुल नहीं आती, वो लोग हाथ उठाएं, तो सबने हाथ उठा दिया। मैंने कहा दूसरा भी उठाएं, दूसरा भी उठा दिया, मैंने तो हिंदी में ही पूछा था। अच्छा अंदर की बात बता दूं, इंग्लिश भी अपने को उतनी आती थी, इसके आगे इंग्लिश अपने को भी नहीं आती थी। तो हिंदी बोलने में शर्म नहीं गर्व होना चाहिए। अब हम आते हैं, टूथब्रश टूथपेस्ट नहीं करें तो क्या करें।